हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका अपना संस्कारी सुमित। आज कैसा कैमरा एंगल आ रहा है, क्योंकि देखिए मैंने आपको बताया था कि नया नया अभी स्टार्ट करा है गोप्रो के थ्रू हेड माउंट से, तो उतना आइडिया नहीं लग रहा था मुझे उस वीडियो में, क्योंकि मैंने मोबाइल में चेक करा था लेकिन एक्चुअल में वो कैसा है या वो बाद में आइडिया लगा। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, आप लोगों से ही फीडबैक मैं लूँगा, तो जैसा आपने बताया वैसा मैं ट्राई कर रहा हूँ। अब मैंने थोड़ा सा जो व्यू है, व्यूइंग एंगल है, उसको थोड़ा सा नीचा रखने की ट्राई करी है, और आपको डिफरेंस लग रहा होगा अगर आप पिछली वीडियो से कंपेयर करें। थोड़ा सा जो एंगल है, पहले जो हमारी सनवाइज़र थे, ये सनशेड थी ये वाली, ये भी आ रहे थे व्यू में, लेकिन अब थोड़ा नीचा। और दूसरा जो क्लस्टर है आगे का, वो पिछली वीडियो में विजिबल नहीं हो रहा था, तो उस चीज़ को मैंने इम्प्रूव कैसे करने की ट्राई करी है। सबसे पहले तो मैं खुद थोड़ा सा नीचे हो गया हूँ, मतलब थोड़ा नीचे की तरफ बैठा हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ, देखिए मैं चाहूँ चेस्ट बैंड भी लगा सकता हूँ यहाँ पर, उससे सामने का व्यू आएगा, थोड़ा नीचे की तरफ को आएगा, लेकिन जैसे मैं अपनी हेड मूवमेंट करता हूँ, जैसे आप देखिए व्यू चेंज हो रहा है, मैं हेड मूवमेंट कर रहा हूँ, वो चीज़ उसमें नहीं आती। मैं कहीं भी गर्दन करूँगा, सिर करूँगा, मैं चाहूँ गोप्रो को एक जगह माउंट भी कर सकता हूँ, लेकिन उसमें भी सिर्फ एक जगह का व्यू आएगा, किसी भी तरह से हिलेगा नहीं, इधर उधर व्यू चेंज नहीं होगा। और मैं ये चाहता हूँ कि जैसे मैं मूवमेंट कर रहा हूँ अपनी गर्दन की, जो मेरा ड्राइविंग पैटर्न है, तरीका है, वो चीज़ आपको भी दिखे। तो मैं यही चाहता हूँ, अब जैसे मैं लेफ्ट एंड राइट देख रहा हूँ तो ये चीज़ आपको दिखे, बस यही ट्राई कर रहा हूँ मैं। अब मैंने चेंज कैसे करा है, थोड़ा सा एंगल, मैं खुद थोड़ा सा नीचे की तरफ झुक के बैठा हूँ। और दूसरा जो स्टेयरिंग है, पहले मैं स्टेयरिंग लोअर पोजिशन में रखता था, अब जो स्टेयरिंग रखा हुआ है मैंने, वो अपर पोजिशन में थोड़ा रखा है। और अब आई गेस आइडिया अच्छा लग रहा होगा, जो क्लस्टर है आगे का वो आपको दिख रहा है, और सामने का व्यू भी अच्छे से आ रहा है। तो ये तो बात हुई अपने जो पूरा सेटअप है उसकी। अब आता हूँ मेन मुद्दे पर कि ये वीडियो किस टॉपिक पर है। रात का समय है और शहर आप देख रहे हैं, कैमरा क्वालिटी भी बताना, क्योंकि अब तक इससे रात के समय मैंने किसी भी तरह की वीडियो नहीं बनाई। नाइट की क्वालिटी बताना कैसी आ रही है, तो मैं इस तरह के वीडियो आगे कंटिन्यू करूँगा, नहीं तो मैं कुछ और ट्राई करूँगा रात के वीडियो के लिए, हो सकता है अपना फ़ोन ही ट्राई करूँ, क्योंकि उसका जो कैमरा है वो काफ़ी बेटर है। अब आती है बात, मैं किस चीज़ पे वीडियो बनाने वाला हूँ। नाइट राइड में पहले भी दिखा चुका हूँ, मैंने केवल नाइट राइड की थी उसमें, लेकिन इस वीडियो में मैं आपको ये चीज़ बताने वाला हूँ। जैसे आप देख रहे हैं अपकमिंग ट्रैफिक आ रहा है मेरी तरफ, तो मेरे को जो लोग फीडबैक दे रहे हैं और शिकायत कर रहे हैं, वो ये शिकायत कर रहे हैं कि जो ड्राइवर की हेडलाइट है वो उतनी सफिशियंट नहीं है। जबकि देखिए, जो आंखें आपके पास है वही आंखें मेरे पास हैं, और वही मेरे जैसे बहुत लोगों के, सबके पास वही आंखें हैं। तो केवल मुझे लाइट सही लगना, आप लोगों को सही नहीं लगना, ये चीज़ नहीं हो सकती। और काफ़ी मेरे जैसे ही लोग हैं जिन्हें सफिशिएंट लग रही है, तो उन्हें लग रही है, मुझे लग रही है, आपको नहीं लग रही। और मैंने जब डिटेल में इस चीज़ को पूछा कि आपको कब लाइट सही नहीं लगती, तो जैसे उन्होंने बताया कि इस मौके पर कि सामने से जब कोई ट्रैफिक आ रहा है तब मुझे लाइट सही नहीं लगती। तो जब मैंने उन्हें ये चीज़ बताई है कि किस किस वजहों से आपको वो लाइट सही नहीं लगी, तब उन्होंने वो चीज़ अप्लाई करी, और यकीन मानिए उनका तुरंत जो आंसर था, तुरंत मतलब जब उन्होंने वो चीज़ अप्लाई करी, तुरंत जो रिप्लाई था वो यही आया कि हाँ अब हमें फ़ायदा है। तो वो क्या था, देखिए गाड़ी चलाते हुए जो पैटर्न होता है आपका, किस किस तरीके से आप चला रहे हैं, क्योंकि आपकी आदत पड़ चुकी है उसी तरह चलाने की, वो मूवमेंट करने की, और आपको पता भी नहीं लगता। तो सबसे पहला जो प्रिंसिपल है, जो आपका रोड का शोल्डर होता है, अगर आपके रोड के शोल्डर मतलब ये रोड की साइड जो होती है, अगर यहाँ पर पट्टी बनी हुई है जैसे आप देख रहे हैं, मार्किंग वाइट लाइन बनी हुई है, तो बहुत ही अच्छा है। नहीं तो आपको जो ध्यान देना होता है वो अपने शोल्डर पे ध्यान देना होता है, अपनी साइड वाले, ठीक है। अब जैसे सामने से गाड़ी आ रही है कोई, इस समय पर अगर उसने हाई बीम कर रखी है, तो देखिए किसी भी तरह से कोई सी भी आप लाइट लगा लो, किसी भी तरह की लाइट लगा लो, आपको सामने दिखाई नहीं देगा। और आप अगर ऐसे मौके पर इस कंडीशन में आप कंप्लेन कर रहे हो कि गाड़ी की लाइट सफिशिएंट नहीं है, मैंने जब पूछा गाड़ी की लाइट सफिशिएंट कब नहीं लगती, तो बताते कि सामने से जब कोई अपकमिंग ट्रैफिक आता है तब नहीं लगती। तो देखिए जब उसने सामने की तरफ मतलब हाई बीम कर रखी है, तब कोई फ़ायदा नहीं है, कुछ भी आप लगवा लो लाइट। अगर उसने लो बीम कर रखी है तो फिर तो बहुत अच्छी बात है, फिर आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी किसी भी तरह की, आपको लगेगा ही नहीं कि हाँ लो लाइट है। और दूसरी चीज़, जितना
चौड़ा हाईवे होता जाता है, क्योंकि देखिए लाइट जो, लाइट का फिनोमेना क्या है, ये रिफ्लेक्ट होती है, हमारी आंखों को रिफ्लेक्शन दिखता है। तो अगर मुझे सामने कोई बहुत चौड़ा हाईवे है तो वहाँ रिफ्लेक्शन की जगह बिल्कुल नहीं, स्कैटर हो जा रही है लाइट, तो हमें लगेगा कम है। और वही चीज़ अगर पतली नैरो गली है उसमें चला रहा हूँ मैं, तो वहाँ पर बहुत बढ़िया लाइट आएगी। एक और कंडीशन, अगर बारिश पड़ चुकी है, सड़क भीग रही है, तो आप जानते हैं ब्लैक रोड हो जाती है, उस समय आपको रिफ्लेक्शन जो है वो नहीं मिलेगा और जो लाइट है वो आपको लगेगी बहुत कम है, सफिशिएंट नहीं है। और जब आपको सूखी रोड मिलेगी, मतलब इस तरह की, उस पर डर्ट होती है, मिट्टी होती है, या फिर आप किसी मिट्टी वाले रास्ते पर होंगे, तो आपको बहुत बढ़िया रिफ्लेक्शन आपको लगेगा, बहुत तेज़ लाइट है। तो सबसे पहला फिनोमिना तो ये है। अब आता है मुद्दा कि हम सामने वाले को तो डिपर देकर ऐसे करके चेंज करा सकते हैं लाइट, ठीक है। जो आप देखते हैं ना, जो कम्युनिकेशन होता है रात के समय, वो अपकमिंग ट्रैफिक से, हॉर्न से तो नहीं होता, क्योंकि उसे हॉर्न से मतलब नहीं है। जो अपकमिंग ट्रैफिक से कम्युनिकेशन होता है वो होता है पास के थ्रू, हम डिपर देते हैं इस तरीके से, वो सामने वाला भी देता है और उस समय वो समझ जाता है कि हमें डिपर की ज़रूरत है और वो अपनी लाइट लो बीम पर कर लेता है। अगर उसने तब भी नहीं करा, और या फिर आप हाईवे पर हैं क्योंकि सामने से आ रहा है ट्रैफिक, आप जा रहे हैं, तब आपको क्या करना है, आपको एक तरीका बनाना है कि आपको किस तरह से गाड़ी चलानी है। आपको सिर्फ अपने शोल्डर के एंड पर ध्यान देना है बस। अब जैसे सामने गाड़ी आ रही है, आपको उसकी हेडलाइट की तरफ नहीं देखना, आपको उधर ध्यान नहीं देना बिल्कुल, आपको ध्यान देना है आगे। गाड़ी आ रही है इधर से, आप मेरी उंगलियों को देखो, गाड़ी आ रही है सामने से, मैं ध्यान दे रहा हूँ आगे। अब एक्चुअली मैं थोड़ा बाहर आ गया हूँ, अब लेना पड़ेगा एक यू टर्न, मैं लेता हूँ यू टर्न यहाँ से, और उसके बाद मैं चलता हूँ फिर से यू टर्न लेने के बाद, काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि मैं कंपैरेटिवली स्लो चल रहा हूँ, रात हो रही है, ट्रैफिक बिल्कुल खुला हुआ है। अब हम आते हैं वापस ट्रैक पर अपने। अब सामने से गाड़ी आ रही है, मेरी आंखों में लग रही है, मैं उसे नहीं देखूंगा, मैं देखूंगा इधर अपने शोल्डर पे। आपको यही आदत डालनी है, आप खुद देखिए, अभी मैं उस तरफ देखूंगा तो मेरे को बहुत आंखों में चौंध लगेगी, चमक लगेगी, और मुझे कुछ नहीं दिखेगा, मैं ब्लाइंड हो जाऊंगा बिल्कुल, और गाड़ी चलेगी अपने अंदाजे से। हालांकि जब मैं अपने शोल्डर पे देखूंगा तब भी मुझे उतना परफेक्शन से व्यू नहीं मिलेगा, लेकिन अगर वाइट पट्टी है तब तो मुझे वो रिफ्लेक्ट हो रही होगी मेरी ही लाइट से, क्योंकि उस समय मैं लो बीम पे कर लूंगा तो मुझे यहाँ दिख रही होगी। नहीं तो अगर हाई बीम पर भी है तो भी कोई बात नहीं, आपको फिर भी वो वाइट पट्टी दिख रही होगी, नहीं तो आपको शोल्डर तो दिखेगा ही दिखेगा। आपका जो मेन मोटो होना चाहिए वो होना चाहिए शोल्डर पर, ना कि सामने लाइट पर। ये लोग ध्यान अपना यानी एक बना लेते हैं तरीका कि सामने जो गाड़ी आ रही है, सामने आने वाली गाड़ी पर ही फोकस रहेगा। तो जहां आपकी नजर ऐसे पड़ी, खिंचती अपने आप नजर लोगों की, अगर आप चाहें भी इधर देखने का, तब भी धीरे धीरे आप इधर की तरफ देखने लगेंगे। ये आदत पड़ जाती है लोगों की, वही आपको आदत सुधारनी है। बहुत तरीका, देखिए आप इन्हें लो बीम का रखे, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही, देखो लो बीम पर है, किसी तरह का कोई रिफ्लेक्शन नहीं है, बिल्कुल क्लियर है। लेकिन वहीं जब सामने से कोई गाड़ी आ रही है जिसने हाई बीम का रखी है, तब क्या होता है, तब वो हमारी आंखों में लगती है, और हमें चाहे लो बीम हो हाई बीम हो, हमें ये पैटर्न ही बना लेना है। ये नहीं है कि पहले हमने देखा हमारी आंखों में चौंध लगा, हमें रियलाइज हुआ कि अरे इसने तो हाई बीम पे कर रखी है, अब हमें शोल्डर देखना है, नहीं ऐसा नहीं करना। आपको अपना पैटर्न बना लेना है कि आप जब भी ड्राइव कर रहे हो रात को, तब आपको शोल्डर पर ही ध्यान देना है अपने। इसी साइड देखिए, ये आगे वाली लाइट ने लो बीम कर रखी है, पीछे वाली लाइट ने हाई बीम कर रखी है, आप देखिए रिफ्लेक्शन में फर्क, दोनों गाड़ियों का डिफरेंस देखिए रिफ्लेक्शन में। यही चीज़ है, आगे से हमें मतलब नहीं है, पीछे वाली से मतलब नहीं है, हमें बस अपने शोल्डर से मतलब है, हमारा ध्यान वहाँ रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, लाइट सफिशियंट है। इसीलिए मैं इस वीडियो का यही नाम दे रहा हूँ कि लाइट को अपग्रेड मत करो, ड्राइविंग के तरीके को, अपने पैटर्न को अपग्रेड करो। ये तरीका अगर आपने अपना लिया, अडेप्ट कर लिया, तो आप ये समझिए फॉग में जब बहुत कोहरा हो रहा होता है, जब आगे विजिबिलिटी नहीं होती, तो लोग आगे ही देखते हैं। आप कुछ मत करिए, आप सिर्फ जैसे वहाँ लोग हैं इतनी दूरी पर, जहाँ भी आपका लास्ट पॉइंट होगा विजिबिलिटी का, उसके लास्ट पॉइंट पर बिल्कुल आप वहाँ से जो शोल्डर है उसे देखिए, उसको फॉलो करिए बस। आप ना ट्रैक से डिस्ट्रैक्ट होंगे, ना ही आप किसी में एक्सीडेंट की गुंजाइश रहेगी,
किसी को फॉलो मत करिए, मैं कभी भी किसी को फॉलो नहीं करता। आप अपने आप को छोड़ के दूसरे पे विश्वास कैसे कर सकते हो, ट्रस्ट कैसे कर सकते हो? हो सकता है वो नशे में हो सकता है वो नींद में हो, तो वो चीज़ नहीं करनी। अपना तरीका बनाइए और अपने तरीके से अपने जो रूल्स हैं उनको फॉलो करिए, कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो अब आ चुका हूँ इसी के साथ मैं घर पे, तो यही था मेरे इस वीडियो में। अगर आपको अच्छा लगा हो और कैमरा एंगल भी अच्छा लगा हो पहले से, पहले के कंपैरिजन में, तो प्लीज़ लाइक करना वीडियो को, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब कर लेना संस्कारी सुमित चैनल को। जय हिंद।